आज ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने लगभग दो महीने पहले दिल्ली के अंदर इकट्ठा होकर के एक आह्वान किया था कि 16 फरवरी 2024 को सारे देश में ग्रामीण भारत बंद किया जाएगा। इसके तहत सारे देश का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के किसी भी प्रकार की बाजार से खरीद फरोख नहीं करेगा, दूध सब्जी फल वगैरह ना बेचेगा ना खरीदेगा ना कहीं रिश्तेदारी में जाएगा, और तमाम देश के स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ 13 फरवरी को जो हमारी पंजाब की किसानों की जत्थेबंदियाँ MSP को लेकर के लखीमपुर के पीड़ित किसानों शहीद किसानों को न्याय दिलवाने के लिए और पूर्ण कर्ज माफी के लिए लेबर कोड 4 को खारिज करवाने के लिए और भूमि अधिग्रहण नियम 2013 जो किसान हित में था उसको दोबारा लागू करवाने के लिए, बिजली अधिनियम को खारिज करवाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया था 13 फरवरी 2024 को। उनको शंभू बॉर्डर अम्बाला से पीछे पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पुलिस के द्वारा सरकार के इशारे पर रोका गया, और इसी प्रकार खनौरी बॉर्डर के ऊपर नरवाना से आगे खनौरी बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान भाइयों को रोका गया। ये बहुत ही चिंताजनक और दयनीय पूर्ण हरकत सरकार ने जो की है, कायरतापूर्ण हमारे किसान भाइयों के ऊपर बेरहमी से अश्रु गैस के गोले छोड़े गए और प्लास्टिक की गोलियां ड्रोन से उनके ऊपर दागी गई, केमिकल युक्त पानी की बौछारें मारी गई, हमारे 1000 से ज़्यादा किसानों को लाठियों से गोलियों से घायल किया गया, जिसमें 20 से ज़्यादा किसान जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों के अंदर जूझ रहे हैं। हम इस तानाशाही को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की 13-14 फरवरी की जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर कायरतापूर्ण किसानों के ऊपर गलत वारदात की गई, उसके विरोध में और ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, जो संपूर्ण भारत बंद के आह्वान पर जिला हिसार के 5 टोलों के ऊपर तमाम हरियाणा का किसान मजदूर ट्रेड यूनियन सभी कर्मचारी संगठन और अन्य सभी सामाजिक संस्थाएं साथ लग करके हमने पूर्ण बंद को समर्थन किया है। आज हमारे इलाके से गांवों से लोग लगभग 25 गांव से यहां पर पहुंचे हैं, इसी प्रकार अन्य 4 टोलों के ऊपर भी चौधरीवास बाडोपट्टी बास और लांदड़ी टोल के ऊपर किसानों के जत्थे जमे हुए हैं। कल हमारी सिसाय के अंदर बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत हुई, उसके लिए कमेटियां बना करके गांव के अंदर निकली हुई हैं, और 18 तारीख को खेड़ी चौपटा के अंदर बड़ी तादाद में किसान भाई ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के इकट्ठे होंगे और वहीं पर मौके पर निर्णय लिया जाएगा। हम खनौरी कूच करेंगे, हम शंभू बॉर्डर कूच करेंगे या हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सरकार की जो आज प्रेजेंट के अंदर नेशनल हाईवे के ऊपर किले गाड़ करके और इतना जबरदस्त जिस प्रकार दूसरे देश के साथ लड़ाई होती है, अपने देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर बनाए जाते हैं और मोर्चे खोदे जाते हैं, इस प्रकार का माहौल किसानों के साथ सूबे की और देश की सरकार ने कर रखा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ये तानाशाही की तरफ ले जाता है ये इशारा सरकार का, और किसान मजदूर का गला घोटने के लिए इन्होंने कसम खा रखी है। इनका मुख्य मकसद है भूमि अधिग्रहण नियम के साथ छेड़छाड़ करना, बिजली अधिनियम लागू करना और भूमि अधिग्रहण 2013 को खारिज करना और 4 लेबर कोड नए लाना। ये दर्शाता देश के किसान और मजदूर को अडानी अमाणी पूंजीपतियों के रहन किया जाए और हम देश की सत्ता के ऊपर तानाशाही कब्जा कर लें, प्रजातंत्र को यहाँ से ख़त्म किया जाए और वोटर प्रणाली और संविधान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तोड़ मरोड़ करके RSS के आज़ादी की लड़ाई के टाइम अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों को देशभक्त साबित करने के लिए संविधान के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई है। हम इन कायरतापूर्ण देश की जनता के खिलाफ जो निर्णय हैं इनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के संविधान को बचाने के लिए देश का किसान और मजदूर, देश का आवाम अपनी जान की बाजी लगा देगा। देश का किसान और मजदूर 150 करोड़ देश की जनता का पेट भरने का काम करता है। हम किसी की बाप की बपौती नहीं है। मोदी, अमित शाह, हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर जिस प्रकार से
ये काम कर रहे हैं। निकट भविष्य के अंदर किसान दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली के बॉर्डरों को हम सील करेंगे। हमारी सारी जो मांगे हैं ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा की, जो मैंने अभी अभी आपके सामने गिनवाई, सभी को हूबहू लागू करवा के हम घर वापिस आएंगे। घर ऐसा नहीं होता। अभी 2024 के अंदर इस तानाशाही प्रजातंत्र का गला घोटने वाली ईवीएम के ऊपर और लूट खसोट मचा करके प्रजातंत्र को खत्म करके गलत तरीके से हिटलर शाही तरीके से देश की सत्ता के ऊपर कब्जा करने की जो प्लान है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए देश के किसान और मजदूर, देश का कमेरा वर्ग ने चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी हमने क्यों न करनी पड़े, आज मैय टोल को 3 बजे तक हमने पूर्ण रूप से सील कर रखा है। टोल फ्री किए गए हैं। आगे ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा जैसा भी आह्वान करेगा हम रात के 12 बजे भी उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। लेकिन इस तानाशाही प्रधानमंत्री और तानाशाही बीजेपी सरकार खट्टर मोदी अमित शाह को पंजे हम नहीं टिकने देंगे, जो कि किसानों के ऊपर इतने खतरनाक तरीके से हमारे 1000 से ज़्यादा किसान भाइयों को शंभू के अंदर और खनौरी के अंदर घायल कर दिया गया और केमिकल युक्त पानी से पानी की बौछारें मारी गई। जिस किसान मजदूर के आँखों में वो पानी के छींटे लग गए उसकी आँखों की रोशनी खत्म हो गई और जो प्लास्टिक की गोलियां ड्रोन के द्वारा दागी जा रही है वो देश के आम नागरिक के ऊपर बैन है। ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये देश की आम जनता के अधिकारों का हनन है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकट भविष्य के अंदर देश के किसान मजदूर, देश की तमाम ट्रेड यूनियनें, देश का तमाम कमेरा वर्ग इकट्ठा होकर के इन गुंडे तानाशाही बीजेपी और आरएसएस के जो हुक्मरान ने बने हुए हैं सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे। रोजाना किसान पीटने के लिए नहीं पैदा हुए, अपनी मां ने पैदा नहीं किए और गोली खाने के लिए पैदा नहीं किए। हम गोली मारना भी जानते हैं, हम पीटना नहीं जानते, हम पीटना भी जानते हैं। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान किसान सभा व राज्य उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा। मैं कुलदीप खड़, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन। जो 2 दिन से हम खनौरी बॉर्डर पर थे, जैसे पुलिस वाले जैसे आतंकवादी है ऐसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथियों के साथ। और एक हमारा किसान साथी था भाई अक्षय नरवाल, जिसके ऊपर गंभीर धाराएं 307 जैसे मुकदमे लगाकर उनकी गाड़ी तोड़ दी गई। और कल हमने सिसा में बहुत बड़ी पंचायत करी थी, पंचायत में फैसला लिया गया है जो आसपास के जितने भी गाँव है 18 तारीख को 10 बजे खेड़ी चौपटा पहुंचकर और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सभी किसान जितने भी हमारे किसान भाइयों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो हमारी जायज मांग है एमएसपी गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी किसान उल्टा हटने वाला नहीं है। जय जवान जय किसान। कुलदीप भाई, ये आज जो टोल फ्री कितने बजे तक टोल फ्री और कौन-कौन से टोल आपने फ्री करवाए? ये 3 घंटे टोल फ्री है, लगभग पूरा हरियाणा की कोल है, हमारे हिसार के सभी टोल फ्री है, ये 3 बजे लग सभी टोल फ्री रहेंगे। तो क्या आज भी कुछ किसान जो है वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं या फिर 18 को ही जाएंगे? 18 को ही सभी किसान खेड़ी चौपटा इकट्ठे होकर और 18 को 10 बजे सभी किसान साथी 10 बजे खेड़ी चौपटा पहुंचे और वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली लेके दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे। आज यहाँ कितने किसानों के आने की उम्मीद है? यहाँ आसपास के सभी गांव, जैसे कमेटी बन रही गांव-गांव प्रचार कर रही है, तो यहाँ जितने आसपास के गांव सभी किसान पहुँचेंगे। क्या आज आपने भारत बंद को भी समर्थन दिया है? हाँ बिल्कुल, भारत बंद को समर्थन है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला है उसका समर्थन में आज भारत बंद है। नहीं चलेगी, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय